काट दिया था सा मैंने बोला है था अभी उस तरह बना लिया था कटोरे में एवरीवन आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी झलक की और एक और लड़की की जो कि उसको भी वर्चुअल ऑटिज्म है, उन दोनों की दोस्ती की स्टोरी में शेयर करने वाली हूं। और अभी झलक उसके साथ डेली खेलने जाती है, दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। और वो लड़की में अभी क्या क्या सिम्टम्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि वो झलक से 4 महीने बड़ी लड़की है, उसको भी वर्चुअल ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से अब वो बोलती है, किस तरीके से वो एक्टिव है, क्या क्या उसका बिहेवियर है, किस तरीके से रहती है और झलक के साथ डेली खेलती है, वो सब वीडियो क्लिप और वीडियो और स्टोरी में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि हो सकता है जो आगे मैं डिटेल आपको बताऊँगी कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो देखिए, अभी कुछ दिनों से 5-6 दिन से झलक रोज़ डेली उसके घर पे खेलने जाती है। एक दिन हम अचानक ऐसे ही जा रहे थे, हम रोज़ खाना खाने के बाद वॉक पे जाते हैं, तो एक दिन अचानक हम ऐसे ही जा रहे थे उसके घर के आगे से निकले तो वो हमें बुलाने लगी और झलक के साथ खेलने लगी। तो अब उसको झलक के साथ खेलने की आदत हो गई और झलक को भी उसके साथ खेलने की आदत हो गई है। रोज़ खाना खाने के बाद और बर्तन साफ़ करने के बाद हम डेली 8:30 या 9 बजे हम उसके घर जाते हैं और आधा एक घंटा हम खेलते हैं, 8:30 से 9:30 झलक और वो लड़की दोनों ही वो खेलते हैं। और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वो भी वीडियो में मैं आपको आगे क्लिप में बताने वाली हूँ। तो देखिए, हम डेली जाते हैं, अब झलक नहीं जाती तो वो उसकी मम्मी से पूरा दिन पूछती है, मम्मी जिया कब आएगी, झलक कब आएगी। झलक भी पूछती है मम्मी कब जाएंगे, आराध्या के घर कब जाएंगे, वो बार बार पूछती रहती है झलक भी। उसको डेली लेके जाती हूँ, उन्होंने बोला है कि आप डेली लेकर आया करो, ये दोनों खेलती हैं। वैसे तो हमारी लड़की किसी के साथ खेलती नहीं है, इसके साथ खेलेगी तो अच्छा है, और दोनों एक ही एक जैसी मिल गई हैं वो बोल रही थी। पहले तो हम राउंड लगाते हैं ऐसे ही कॉलोनी में, रोड पे वॉक पे जाते हैं, फिर वो दोनों मिलके कुछ कुछ एक्टिविटी करती हैं, जैसे डांस की एक्टिविटी करेंगी, योगा एक्सरसाइज करेंगी दोनों साथ में, जनरल नॉलेज के हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ कलर के क्वेश्चन या कुछ भी हम उनसे पूछते हैं। और वो लड़की की काफ़ी अच्छी लैंग्वेज डेवलप हो गई है, बहुत अच्छे से वो बोल लेती है, पर ये है कि उसमें भी सोशल बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है, वो मुझे उतना अच्छे से जवाब नहीं दे पाती है जितना अच्छे से वो उसकी मदर को जवाब देती है। और उसको स्टोरी जैसा भी बोलने का आ गया है जबकि इतना अच्छा अभी झलक का नहीं है। वो लड़की अभी झलक से 4 महीने बड़ी है और वो लड़की काफ़ी अच्छे से बोलने लगी है, पर अभी उसके बिहेवियर में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो अभी भी मोबाइल देखती है, अभी भी वो डेली मोबाइल देखती है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा देखती थी, जब से स्कूल गई है थोड़ा कम देखती। अगर उसकी मदर पूरी तरह से उसकी स्क्रीन 0 कर देती तो अभी उसका सोशल बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा हो जाता, उसकी लैंग्वेज तो मेरे हिसाब से 100% डेवलप हो गई है, पर उसका जो बिहेवियर है वो इस वजह से अभी ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि वो घर ही घर में रहती है, ना तो किसी से बोलती है, ना ज़्यादा किसी से घुलती मिलती है और मोबाइल चलाती है। इस वजह से उसका सोशल बिहेवियर उतना अच्छा नहीं हुआ है। मुझे लगता है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा उसका सोशल बिहेवियर भी। पहले झलक उस लड़की के साथ खेलना चाहती थी पर वो लड़की झलक के साथ बिल्कुल भी खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, अब अचानक से उसका इंटरेस्ट आने लगा है, अब वो झलक के साथ खेलने लगी है। झलक तो पहले से ही उसके साथ खेलना चाह रही थी पर वो नहीं खेलना चाहती थी, अब वो दोनों बहुत अच्छे से खेलती हैं और एक दूसरे के बिना वो रहती भी नहीं है। दोनों ही सड़क पर जाएंगी तो दोनों हाथ पकड़ के जाएंगी, दोनों खेलेंगी तो साथ में ही खेलेंगी। और एक दिन तो झलक दोपहर को भी उसके घर चुपचाप चली गई मुझे बिना बताए, उसका घर थोड़ा सा दूर है पर कॉलोनी के अंदर ही है, पर वो झलक मुझे बिना बताए उसके घर पे चली गई। मैं उसको ढूंढती रही, फिर मैंने सोचा कहीं उसके घर तो नहीं चली गई, फिर मैं देखने गई तो वो बोली कि आधा घंटा से ये हमारे घर पे ही खेल रही है। और उस दिन छुट्टी का दिन था, सैटरडे को स्कूल की छुट्टी रहती है और उस लड़की की भी छुट्टी रहती है, तो
दोनों काफ़ी अच्छे से खेलने लगी हैं और बीच बीच में दोनों झगड़ा भी करने लगती हैं, चिल्लाने भी लगती हैं और बैड बिहेवियर शो करने लगती हैं। फिर बाद में अच्छे से वो खेलने लगती हैं और वो फ्रूट खा रही थी तो झलक को भी उसने फ्रूट दिया और काफ़ी उसे अच्छा नॉलेज है। उसको पूछें कि हिंदी में ब्लैक को क्या बोलते हैं तो वो बता देती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कुछ कुछ वो बता देती, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि झलक भी काफ़ी उससे ज़्यादा एक्टिव है, इंटेलिजेंट है। दोनों में से मैंने कंपेरिजन करके देखा तो मुझे लगा कि झलक की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उसके मुकाबले, और झलक तो गुजराती लैंग्वेज में भी बोल लेती है। पर मैंने उसकी मदर को पूछा कि ये गुजराती में कुछ बोलती है क्या, समझती है क्या, तो वो बोले कि ये तो कुछ भी ना तो बोलती है गुजराती ना ही समझती है, जबकि झलक को कोई भी कमांड देंगे कुछ भी पूछेंगे गुजराती लैंग्वेज में तो वो तुरंत आंसर दे देगी, वो गुजराती लैंग्वेज में बोलती भी है मुझसे, और मैं झलक से घर पर गुजराती लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, अकौन छे अकौन नीचे कहाँ गए। झलक स्कूल और ट्यूशन में जाती है तो गुजराती लैंग्वेज वहाँ पे सीखती रहती है, इसलिए उसको गुजराती लैंग्वेज आने लगी है। मतलब झलक को कुछ सिखाएंगे तो जल्दी कैच करती है, पर वो जो लड़की है जो जिसको वर्चुअल ऑटिज्म है वो इतनी जल्दी नहीं सीखती है, उतनी जल्दी वो भाषा को कैच नहीं करती है। और एक दिन झलक साइकिल लेकर उसके घर पे चली गई, नाइट में वॉक करने जा रहे थे तो फिर वो रोने लगी वो लड़की, वो जिद करने लगी मुझे भी साइकिल से खेलना है। उसके पास भी हालांकि साइकिल है पर उसकी साइकिल झलक से थोड़ी बड़ी है, उन्होंने बड़ी साइकिल ली है जिसकी वजह से वो उसकी मदर उसको साइकिल नहीं चलाने देती कि नाइट में कहीं गिर जाओगी चोट लग जाएगी पकड़ के चलाना पड़ता है, तो वो जिद करने लगी। तो उसकी मदर ने बोला कि तुम कल से साइकिल मत लाना क्योंकि फिर ये भी जिद करेगी और इसकी तो बड़ी साइकिल है तो ये गिर जाएगी, फिर मैं उसके लिए नहीं लेके गई। अभी डेली डेली मैं झलक को लेके जाती हूँ वहाँ पे उनके घर पे, खेलते हैं कुछ देर बाहर वॉक करते हैं, और झलक को मैं अगर मना कर दूं कि नहीं जाना है आज तो बहुत ज़ोर से रोने लगेगी, जिद करने लगेगी, ये मतलब आदत सी हो गई है और उस लड़की को भी आदत हो गई। उसकी मदर बोलती है तो सुबह उठती है ना, उठते से ही पूछती है झलक आएगी क्या आज, झलक के साथ मुझे खेलना है, झलक आएगी क्या, ऐसे उसकी लड़की पूछती रहती है। शाम को भी पूछती है मम्मी नाइट कब होगी, झलक कब आएगी, और झलक भी शाम को मैं खाना बनाती हूँ खाना बनाते से ही पूछने लगती है मम्मी आराध्या के घर कब जाएंगे उसके साथ मुझे खेलना है, झलक बार बार बोलती रहती। फिर हम बर्तन साफ़ करती हूँ तो भी वो बोलती है जल्दी साफ़ करो मम्मी, हो गए क्या, चलो मम्मी चलो आराध्या के साथ खेलना है। मैं अगर उसको झलक को झूठ भी बोल दूँ ना कि आज आराध्या सो गई है आज नहीं जाना उसके घर, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, रोने लगती है, फिर उसको लेके ही जाना पड़ता है। पर मुझे भी लेके जाना सही लगता है क्योंकि वो खेलेगी, उसका भी डेवलपमेंट होगा, वो लड़की का झलक का भी होगा, दोनों खेलेंगी दोस्ती बढ़ेगी कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि झलक भी उसके साथ खेले। झलक और ये दोनों साथ में जा रही हैं वॉक पे, डेली ऐसे ही हाथ पकड़ कर वॉक पर जाती हैं, और भी आगे की क्लिप में आप देखें। दोनों हाथ पकड़ कर जाती हैं और बातें भी करती जाती हैं साथ में, और भी आगे क्लिप में देखें। ये वॉक करते करते फ्रेंड के घर चली गई हैं। आ जाओ झलक। अब ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली, इस तरह से करती है। Bye.
ये नहीं बता पा रही। ये लोग क्या कहते हैं? पीला पीला। वो बता रही बात नहीं बता रही। पीला बताओ। बनाना को पीला। जी तुम बताओ। पीला करती। और बताओ ग्रेप्स को क्या कहते हैं? अंगूर अंगूर। दोनों एक ही जैसा बोल रही है। पोहा। चलो पोहा कैसे बनता है बताओ। मम्मा हाँ। चावल नहीं बेटा, पोहा पोहा में चूड़ा पड़ता है। चूड़ा इलायची नहीं, प्याज मूंगफली कड़ी पत्ता राई ये सब का छोड़ा। हरी मिर्ची चुप 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 ए चुप दोनों। अच्छा जिया तुम बताओ। जिया तुम बताओ ऑरेंज जूस कैसे बनाती है? ना बताओ कैसे बनाती है मम्मी? हाँ दूध पहले डालता है। दूध पहले डालता है। हाँ और फिर उसके बाद सेवई भरता है। फ्राई करते हैं। हाँ सेवई को तलते नहीं है भूसे में। देखी टी शर्ट पे हाँ। और नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है टी और चलो आराध्या के पैंट पे क्या लिखा है? पैंट पे क्या लिखा है आराध्या के बताओ? चलो अब आप पूछो। चलिए अब पूछ झलक के पे क्या लिखा है? उसके पे क्या लिखा है बताओ? जी हाँ। जी ओ अब झलक की टी शर्ट पे क्या लिखा है? दी। नहीं लिखा क्या है इंग्लिश में? ये कौन सा? अरे अरे देखना चोट ना लगे। नहीं रुक अब दोनों साथ में मिलकर डांस कर रही हैं। डेली ऐसे ही डांस करती हैं। दोनों साथ में डेली साइकिल भी चलाती हैं। वो वीडियो क्लिप मैंने अभी नहीं डाली है और मैंने इसकी नोटबुक भी देखी इस लड़की की, तो काफ़ी अच्छा ये लिखने लगी है। झलक तो नोटबुक को फाड़ भी देती है और कहीं भी कुछ भी लिख देती है, पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखती है, कहीं भी फाड़ती नहीं है। और आगे भी और भी इसकी अपडेट रहेंगी वीडियो क्लिप्स लड़की की, वो भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और आगे की भी आपको वीडियो क्लिप स्टोरी देखना है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो पेरेंट्स आपको अगर इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।